कुर्सी पर खतरे के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार की रात राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर इमरान खान ने अमेरिका की बुराई की और भारत की तारीफ में कसीदे पड़े। अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी आवाम को संबोधित किया। अपने संबोधन में इमरान खान ने हिंदुस्तान की तारीफ की और भावुक हो गए। इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान एक खुद्दार देश है, वहाँ किसी सुपर पावर की हिम्मत नहीं कि साजिश कर सके। बात पीएम का इशारा सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ था। भारत की विदेश नीति की एक बार फिर इमरान खान ने जमकर तारीफ की। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से, बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वहां वाकफियत भी बड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। अपने संबोधन के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि उनके देश के सांसद भेड़ बकरियों की तरह बिक रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि सीक्रेट कोड की वजह से साजिश की चिट्ठी जनता के सामने नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि चिट्ठी में लिखा गया है कि इमरान खान को माफ नहीं कर सकते हैं। इमरान खान ने अपनी बात रखते हुए आरएसएस का भी जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि मेरे हिंदुस्तान सरकार के साथ रिश्ते सिर्फ आरएसएस की वजह से बिगड़े हैं, नहीं तो हमारे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन करके इमरान खान ने यह आखिरी दांव चला है। हालांकि वो खुद कह चुके हैं कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे।